Hello students, good morning. Welcome to maths classes. Today I am going to discuss about division of polynomials. Today discuss about division of polynomials. Before discuss this topic, we have already discussed polynomials part 1 and polynomials part 2 video. So all of you, before watching this video, we must watch polynomials part 1 and part 2. And now today's discuss division of पॉलिनोमियल्स. तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक पॉलिनोमियल्स को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं. आपको डिवीजन तो आता है, बट यहाँ पे देखना है कि पॉलिनोमियल्स का डिवीजन कैसे हम एक पॉलिनोमियल्स को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं. तो हम एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चन से समझेंगे कि कैसे इसको डिवाइड करते हैं. तो डिवाइड पी एक्स पॉलिनोमियल्स को. पी एक्स दो पॉलिनोमियल्स है, एक पॉलिनोमियल्स है पी एक्स, ये कुछ दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस कुछ भी. एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है. ये एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है और एक पॉलिनोमियल्स एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स. एक पॉलिनोमियल ये है पी एक्स और एक पॉलिनोमियल है जी एक्स. तो डिवीजन दो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन देखना है. तो कैसे एक दूसरे को डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल्स का, ये देखना है. तो डिवीजन करने लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग समझेंगे इसको ना. तो इसे पहले आप देखते हैं कि दो जब पॉलिनोमियल्स दिया है तो किसको किससे डिवाइड करेंगे, ये समझना है कि किसको किससे डिवाइड करेंगे. तो आपको हम पार्ट वन में बताएं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो जो पॉलिनोमियल्स का डिग्री ज्यादा होगा वो क्या होगा, डिविडेंड होगा, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री कम होगा वो डिवाइजर होगा. यानी कि कम पॉलिनोमियल्स और डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स से डिवाइड करेंगे अधिक डिग्री वाले पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे ज्यादा डिग्री किसका है, डिग्री किसको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो वेरिएबल का मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू पावर होता है. तो ये ज्यादा डिग्री वाला है, तो ये है पी एक्स ना. अब पी एक्स को हम डिवाइड करेंगे किससे, जी एक्स से, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, कम है. तो इसको क्या बोलेंगे, इसको ये क्या होता है, डिविडेंड होता है, डिविडेंड होता है, और ये क्या होता है, डिवाइजर, डिवाइजर होता है, और ये क्या आता है, कोसेंट आता है, जिसको हम यहां पे डिनोट करते हैं क्यू एक्स से डिनोट कर देते हैं कोसेंट को, ठीक है. और जब डिवाइड कीजिएगा तो कुछ ना कुछ क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा, जिसको हम करते हैं आर एक्स से डिनोट, ठीक है, ये समझना. अब जब आप किसी भी दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे तो दो कंडीशन देखे. यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या हम देखे कि किसे, जिसका ज्यादा पावर डिग्री है उसको, और जिसका कम डिग्री है उससे डिवाइड किए. यानी कि डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स, पी एक्स मतलब डिविडेंड का डिग्री जो होगा वो बड़ा होगा किससे, डिग्री ऑफ डिवाइजर यानी कि जी एक्स से ना. तो ये फर्स्ट कंडीशन आप याद रखेंगे कि ये होता है, क्या होता है कि कम डिग्री वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे अधिक डिग्री वाले पॉलिनोमियल में ना. तो यानी कि डिग्री ऑफ पी एक्स यानी कि डिविडेंड का जो डिग्री होगा वो अधीन होगा किससे, डिवाइजर के डिग्री से, एक कंडीशन. सेकेंड कंडीशन क्या होगा, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से क्या होगा, डिवाइजर के डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा. यानी कि डिग्री, डिग्री ऑफ क्या, रिमाइंडर यानी कि आर एक्स इज लेस देन या इक्वल टू बोल सकते हैं क्या, जी एक्स, डिग्री ऑफ जी एक्स, डिग्री ऑफ जी एक्स. तो ये दो कंडीशन आप ध्यान रखेंगे जब डिवाइड करेंगे पॉलिनोमियल्स का, ये दो कंडीशन. उसके बाद आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं आप इसके बाद, इतना तो ये, इसका ये कंडीशन तो आप जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू क्या जानते हैं, डिविडेंड इक्वल टू जब वेरीफाई करना होगा डिविजन को तो कैसे करते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर. तो ये भी आप जानते हैं. अब इसी के बेस पे अब यहाँ जो जो हम माने हैं पॉलिनोमियल्स को, तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, डिविडेंड क्या है पी एक्स, तो पी एक्स लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू, डिवाइजर क्या है जी एक्स, जी एक्स,
इनटू कोसेंट क्या है क्यूएक्स प्लस रिमाइंडर क्या है आरएक्स। तो इस टाइप से जब वेरीफाई करना होगा तो आप डिवीजन को वेरीफाई कर सकते हैं, डिविडेंड के बराबर होना चाहिए डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, इतना आप जानते हैं। उसके बाद अब हम एग्जांपल देखेंगे और इसको डिवाइड लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग सीखेंगे। कौन सा लॉन्ग डिवीजन मेथड ना, कि कैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। इतना तो आप समझ गए, इतना होता है दो कंडीशन क्या होगा, डिग्री ऑफ पीएक्स बड़ा होगा डिग्री ऑफ जीएक्स से, यानी कि डिविडेंड का डिग्री अधिक होगा डिवाइजर के डिग्री से, और जो सेकंड कंडीशन क्या होगा रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो छोटा या इक्वल होगा किससे डिवाइजर के डिग्री से। और ये वेरीफाई करने के लिए डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी पीएक्स इक्वल टू जीएक्स इंटू क्यूएक्स प्लस आरएक्स, इतना आप देख लीजिए। अब हम देखेंगे डिवाइड करके, ठीक है, एक दो एग्जांपल्स हम बता देंगे डिवाइड करके कि कैसे डिवाइड करते हैं, उसके बाद आप डिवीजन कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स का। तो अब पहले सिंपल एक टर्म वाला हम देख ले रहे हैं, एक डिग्री वाला। अब देखिए अब यहाँ डिवाइड करना, तो अभी पता है किससे किसको करेंगे, पीएक्स से जीएक्स, जीएक्स से करेंगे पीएक्स में, तो क्या क्योंकि इसका डिग्री ज्यादा है तो एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को डिवाइड करेंगे हम एक्स से, यानी कि जीएक्स से। अब देखिए अब डिवाइड कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स का, अब यहाँ पे एक एक टर्म को हमको हटाना है, फर्स्ट टर्म में एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब को हटाना है, तो यहाँ पे एक्स है तो कितना से करेंगे कि एक्स क्यूब आएगा, तो अगर हम एक्स स्क्वायर से कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले साइन चेंज करेंगे, अब पॉजिटिव है ये तो ये निगेटिव साइन चेंज करेंगे तो ये एक्स क्यूब और प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या होगा कट जाएगा, कट गया जीरो हो गया। अब ये क्या बचा प्लस थ्री एक्स, तो यहाँ पे इसको नीचे फॉरवर्ड करेंगे प्लस थ्री एक्स स्क्वायर। अब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर को हमको हटाना है टर्म्स को, अब एक्स है यहाँ पे तो एक्स है तो एक्स स्क्वायर वेरिएबल लाना है, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर लाने के लिए अगर हम एक्स से करेंगे तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब है साइन क्या करेंगे, तो यहाँ प्लस है तो प्लस लाना है तो बीच में यहाँ प्लस का साइन दे दीजिए। अब चूंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या है थ्री है तो थ्री भी आना चाहिए तो थ्री से कर दिए, तो 3x से 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब यहाँ भी साइन चेंज करेंगे प्लस है तो माइनस, तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसिल जीरो हो गया। अब यहाँ पे प्लस x है तो प्लस x यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया आगे, ठीक है। अब ये x है यहाँ पे x है तो क्या करेंगे सिंपल है प्लस 1 से कर दिए तो x इंटू 1 यानी कि x हो गया, ये भी कट गया जीरो आ गया, यानी कि ये जीरो क्या हो गया रिमाइंडर, ये हो गया रिमाइंडर, ये क्या हो गया कोसेन और ये क्या हो गया डिविडेंड और ये क्या हो गया डिवाइजर, ठीक है। अगर आपको चेक करना होगा वेरीफाई करना होगा तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई करेंगे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेन प्लस रिमाइंडर, आप चेक कर सकते हैं, इतना आप पिछले क्लास में भी सीखे हैं, तो आप जो जो वैल्यू है उसको चेक कर सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल आ रहा है कि नहीं, वो आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। अब एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल डिवाइड पी एक्स इक्वल टू, नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ये पी एक्स बराबर है और आपका जी एक्स डिवाइड पी एक्स बाय जी एक्स, जी एक्स आपका दिया हुआ है इक्वल टू एक्स प्लस वन, जी एक्स क्या है एक्स प्लस वन। अब आप इसको डिवाइड कीजिए तो पी एक्स में किससे डिवाइड करना है जी एक्स से, तो आपका क्या है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, अब इसको आप डिवाइड कीजिए एक्स प्लस वन से। तो अब देखिए अब बोले कि एक एक टर्म को हटाना है, एक्स क्यूब है यहाँ एक्स है, अब दो टर्म एक साथ चलेगा, दो टर्म वाला है तो दो टर्म चलेगा, तो एक्स है और एक्स क्यूब लाना है तो कितना से करेंगे हम एक्स स्क्वायर से अगर कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर और एक्स, तो एक्स क्यूब हो जाएगा एक्स क्यूब हो गया। अब ये
टर्म है तो इससे भी होगा, तो x स्क्वायर इंटू वन यानी कि प्लस x स्क्वायर। अब इसको क्या बोले हैं, पहले साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, तो x की वैल्यू कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये प्लस 3x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, तो क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस 2x स्क्वायर बचेगा और ये माइनस x है तो इसको माइनस x आप नीचे फॉरवर्ड कीजिए, तो क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस x। अब इसको किससे करेंगे, तो यहाँ x है, यहाँ पे x स्क्वायर आना चाहिए तो x से कर लिए, अब साइन प्लस आना चाहिए तो प्लस लगा दिए, और कांस्टेंट में 2 है तो 2 लगा दिए, क्योंकि 2x x में करेंगे तो क्या हो गया 2x स्क्वायर आएगा, तो क्या आ गया 2x स्क्वायर, और फिर 2x को 1 से करेंगे तो क्या हो गया प्लस 2x। अब फिर साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल और माइनस एक्स और माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा माइनस थ्री एक्स, और यहाँ पे क्या है प्लस टू, फिर नीचे इसको फॉरवर्ड कीजिए प्लस टू। अब कितना बार में करेंगे, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए और थ्री एक्स आना चाहिए, पहले तो एक्स आना चाहिए तो वन से वन बार में कर दी, नहीं अब देखना है कि एक्स है तो एक्स तो है ही, अब कॉन्स्टेंट थ्री है और माइनस आना चाहिए तो यहाँ माइनस साइन दे दिए और थ्री से कर दिए, तो माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स और माइनस प्लस माइनस थ्री इंटू वन थ्री, तो क्या हो गया माइनस साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, तो प्लस थ्री एक्स और माइनस थ्री एक्स कैंसिल और प्लस थ्री और प्लस टू यानी कि प्लस थ्री और टू फाइव, तो ये फाइव क्या आ गया मेरा, फाइव क्या आ गया, फाइव क्या आ गया, ये रिमाइंडर आ गया, ठीक है, और ये आपका क्यूसेंट और ये आपका डिविडेंड और ये डिवाइडर, ठीक है। तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए इसको, x प्लस वन से करना था, x क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू में, तो x क्यू लाना चाहिए तो x स्क्वायर से किए, तो ये हो गया x क्यू और x स्क्वायर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस कैंसिल, थ्री एक्स स्क्वायर में x स्क्वायर गया तो क्या बचा प्लस टू एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, तो फिर टू बार में दिए तो टू एक्स एक्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस टू एक्स, ठीक है, प्लस है तो माइनस कैंसिल हो गया, माइनस एक्स और माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, तो माइनस थ्री एक्स आना चाहिए तो माइनस थ्री से किए तो माइनस थ्री एक्स और ये माइनस थ्री, माइनस है तो प्लस थ्री टू फाइव, ठीक है। तो इस टाइप से हम डिवाइड करते हैं दो पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। अब एक और लास्ट एग्जांपल, अब कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए लेकिन एक और एग्जांपल बता देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करना है किसे, नेक्स्ट एग्जांपल डिवाइड पीएक्स, पीएक्स इक्वल टू एक थ्री एक्स फोर माइनस थ्री एक्स फोर माइनस फोर एक्स क्यू, फोर एक्स क्यू प्लस माइनस थ्री एक्स माइनस वन बाई क्या है जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब इतना से डिवाइड करना है, अब देखिए थ्री एक्स फोर माइनस फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स माइनस वन, यही है ना, थ्री एक्स फोर माइनस फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स माइनस वन। अब इसको आपको डिवाइड करना है एक्स माइनस टू से, अब देखिए अब x माइनस टू से पहले क्या बोले एक एक टर्म को करना है, तो यहाँ पे x4 पहले देखो वेरिएबल को x4 आना चाहिए, यहाँ x है तो x q से अगर करेंगे तो q और 1 ये 4 यानी 3 और 1 4 x4 तो आ गया। अब यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंट 3 है तो 3 से लगा देंगे इसमें तो 3x3 into x यानी कि 3x4। अब माइनस प्लस माइनस 3x3 into 2 यानी 3 2 जा 6x3। अब देखो साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो 3x4 और 3x4 प्लस माइनस कैंसिल, अब प्लस 6x3 और माइनस 4x3, तो 6 में से 4 गया 2 और x3 x3 है तो x3 ही होगा 2x3, ठीक है 2x3 हुआ। उसके बाद नीचे करेंगे इसको किसको माइनस 3x को, अब देखो अब 2x3 आना चाहिए, यहाँ x है x3 आना चाहिए तो क्या करेंगे प्लस, और x क्यूब आने के लिए x स्क्वायर से कर दिए लेकिन 2 कांस्टेंट है तो 2 से लगा दिए, 2x स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा 2x क्यूब माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4x स्क्वायर, ठीक है 4x स्क्वायर। अब इसका साइन चेंज किए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पे ध्यान देना
ये एग्जांपल हम इसलिए लिए हैं, तो प्लस और माइनस ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर वाला टर्म है, ये एक सिंगल ए वन डिग्री वाला है, ये टू डिग्री वाला है, तो इसको कैसे करेंगे, जैसे है इसको सेम उतारेंगे ना, जैसे प्लस है फोर एक्स स्क्वायर तो यहाँ लिखो प्लस फोर एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री एक्स है तो माइनस थ्री एक्स, ठीक है। अब इसको करेंगे प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, इसको करो तो अब यहाँ पे एक्स है और एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो एक्स से कर दिए तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, लेकिन फोर कॉन्स्टेंट में है तो फोर लगा दिए तो क्या हो गया फोर एक्स स्क्वायर हो गया, और फोर एक्स से टू में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, फोर टू जा एट एक्स, तो ये हो गया प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये और ये कैंसिल, और प्लस एट एक्स और माइनस थ्री एक्स है तो क्या बचेगा प्लस फाइव और थ्री एट फाइव एक्स बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस वन बचा हुआ है तो लास्ट माइनस वन को यहाँ पे लिख दीजिए तो 5x माइनस वन। अब फिर एक बार कीजिए, कितना से कीजिएगा 5x आना चाहिए तो प्लस प्लस 5 से किए तो 5 इंटू एक्स यानी कि 5x और माइनस टू है और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 5 टू जा 3। अब फिर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो प्लस 5x माइनस 5 कैंसिल, प्लस 10 और माइनस 1 यानी कि प्लस 9, तो ये 9 मेरा क्या हो गया रिमाइंडर, रिमाइंडर हो गया, और ये आपका कोसेंट, ये आपका डिविडेंड और ये आपका डिवाइजर। तो अगर आपको वेरीफाई करना होगा तो वही डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर पे आप चेक कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम डिविडेंड डिवाइड करते हैं दो पॉलीनोमियल्स का, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको देखेंगे, हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में रिमाइंडर थ्योरम, कि ये तो लॉन्ग डिविजन मेथड था, अब इसी को सिर्फ रिमाइंडर निकालना है हमको डिवाइड करके, तो डायरेक्ट रिमाइंडर थ्योरम है जिससे आसानी से हम डायरेक्ट किसी भी डिवाइड का रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।